बीवी है क्या, बीवी है क्या, बीवी है क्या। कौन थे वो लोग जो आपको इंडस्ट्री से बाहर काय के लिए बुलवाना चाह रहे हैं, हम नाम ही नहीं लेना चाहते हैं। मुझे नीचा दिखाया गया कि अरे हिंदी बोलती है, टारगेट करते थे। मैंने किसी को हर्ट करने के लिए ये बात नहीं कही, अचानक से स्विच किया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी इस बात से। तू जिसका दीवाना वो तो मेरा वाला गाना है। भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह एक बार फिर से चर्चा में है बिग बॉस ओटीटी को लेकर। हालांकि उनकी रवानगी वहां से हो चुकी है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उनका अनुभव कैसा था, खुद अक्षरा हमें बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगी इस पूरी जर्नी को, शॉर्ट जर्नी रही आपकी, लेकिन सबसे अच्छी याद क्या थी, किस तरह इस जर्नी को, इस सफ़र को आप डिस्क्राइब करेंगी? मैं सबसे पहले तो एबीपी देख रहे सभी दर्शकों को प्रणाम करना कहना चाहती हूँ, और साथ ही बिग बॉस के सफ़र के लिए बात करूँ तो बेहद खूबसूरत था, और काफ़ी कुछ अनुभव, नए नए अनुभव लेकर आई हूँ, और ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी ही बहुत फास्ट फॉरवर्ड में जी रही थी घर के अंदर। काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है आपकी जर्नी, बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए, खासकर नेहा भसीन को लेकर, प्रतीक को लेकर, प्रतीक सहजवाल जब उन्होंने पाला बदला और नेहा के साइड हो गए तो आपने काफ़ी परेशान किया नेहा को, और फिर आपको काफ़ी ट्रोलिंग भी किया, ट्रोल भी किया गया इस वजह से, इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने परेशान, अगर एक तरफा देखें तो मैंने अकेले परेशान नहीं किया किसी को। जब प्रतीक ने अचानक से स्विच किया तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी इस बात से, और मैं भी इंसान हूँ, उस तरीके से रिएक्शन तो आएगा ही। और वो अक्सर उन्होंने शुरुआत की बीवी है क्या, बीवी है क्या, बीवी है क्या। तो अगर आप फेमिनिज्म की बात करते हैं और आप कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, आप एक औरत हैं, तो आपको दूसरे भी लड़की का सम्मान कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोचना चाहिए कि अगर आप औरत हैं तो आप पे लांछन कोई ना लगाए, तो आप एक लड़की के ऊपर कैसे उंगली उठा रहे हो कि बीवी है क्या। दैट मीन्स कि मेरे दर्शक नहीं हैं, मेरा घर परिवार नहीं है, तो क्या उन्हें तकलीफ़ नहीं हो रही होगी अगर मैं घर के अंदर हूँ और इस तरीके की उंगली उठाई जा रही है, तो उन्हें भी तो तकलीफ़ हो रही होगी। तो मेरा रिएक्शन उनकी बातों पर आता था, और अक्सर जैसा उन्होंने किया उसका मैं मुँह तोड़ जवाब देती थी। अच्छा, ये बताइए जो प्रतीक ने किया, जो पाला बदल लिया, आपके अच्छे दोस्त थे, फिर वो नेहा भसीन के साइड चले गए, कितनी तकलीफ़ हुई आपको इस बात से? मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, और वो दर्शकों ने भी देखा होगा कि मैं बहुत इमोशनली गेम को बहुत रियल ले लिया था मैंने, और मुझे समझ नहीं आ रहा था, चूँकि मैं रियल ही रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मुझे वो गेम वाले शब्द नहीं पता, लेकिन हाँ मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। मैंने प्रतीक जी से सोचा भी नहीं कि अचानक से स्विच करेंगे, वो भी बिना बताए, तो ये बहुत तकलीफ़ दे गया, और मैं करीबन एक हफ्ते तक इस चीज़ से निकल नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कई बार वो लोग टारगेट करते थे। अच्छा। जी, आपको पर्पसली टारगेट किया जाता था, निशाने पे लिया जाता था आपका ये इल्ज़ाम? जी जी, बिकॉज नेहा जी ऑफकोर्स उनके वो बड़े ग्रुप में थी जहाँ बड़े बड़े दिग्गज अपने आप को कहने वाले लोग, तो वो उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, इस वजह से ये लोग सारे एक दिन एक ही तरफ होकर हमें टारगेट करते थे और हमें नीचा दिखाते थे। शमिता शेट्टी से भी आपकी अनबन काफ़ी रही, आपने एक जगह पर एज शेम करने की भी कोशिश की कि उम्र में वो काफ़ी बड़ी है, तो उसे लेकर आपने टिप्पणी करने की कोशिश की थी, इसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता? नहीं, मैं इस बात पे अपना पक्ष रखना चाहती हूँ कि मैंने जो बात कही थी वो बहुत ही जेन्युइनली कही थी, और कहते हैं ना कि इनोसेंसी में वो बात निकल गई, और मैंने किसी को हर्ट करने के लिए ये बात नहीं कहा, ये बहुत फैक्ट है मेरे जीवन का और ये रियल है। मेरी माँ सच में 42 की हैं, और ये बात, क्या बात कर रहे हैं, 42 की हैं आपकी मम्मी? मैंने ये बात नहीं कही थी खुद से, शमिता जी ने खुद से ही कहा था मुझे कि मेरा एज 42-43 के लगभग है, वो और राकेश जी बात कर रहे थे, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, ऐसी बातें चल रही थी। तो मैं बोला, तो इनोसेंसी में ये बात निकली कि ओ मेरी मम्मा भी इतने एज की हैं,
ऐसा उस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रही हैं। ये कॉन्टेक्स्ट था ही नहीं दूर दूर तक कि मुझे उनको नीचे दिखाना है या यू नो एज शेमिंग करनी है, नहीं। मैंने सिर्फ अपनी बात रखी और मैंने बोला आपका गाना मैंने क्लास टू में थी ना तब मैंने देखा था, पर इस चीज़ को गलत पोर्ट्रे कर दिया गया। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था और ये सोच के बिल्कुल भी नहीं कहा था। अच्छा। और इसके लिए भी मैं माफ़ी मांगी थी कि अगर आपको यू नो बात मेरी बुरी लगी हो, तो रात का वक्त था वो और राकेश जी लेटे हुए थे बेड पे, मैं गई और जाके उनसे मैंने बोला आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन ये फैक्ट है। आप हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी प्रदेश से आपका नाता है, आप हिंदी बहुत अच्छी बोलती हैं, भोजपुरी फिल्मों में भी काम करती हैं, हिंदी सीरियल्स और फिल्मों में भी नज़र आ रही हैं, उसे लेकर जिस तरह से जो प्रतियोगी ने जो रवैया अपनाया आपकी हिंदी को लेकर, आपकी जो जो आपका जुड़ाव है माटी से उसे लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि मैं सारी भाषाओं पे बराबर कमांड रखती हूँ और मुझे भोजपुरी भी बहुत अच्छी आती है, मुझे हिंदी भी, मुझे इंग्लिश भी, लेकिन मैंने जगह बनाई हुई है सब चीज़ की, मुझे कहाँ क्या बोलना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने व्यक्तित्व को या अपनी बातों को या अपनी भावना को सबसे ज़्यादा हिंदी में व्यक्त कर सकती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर हिंदी ही घर के अंदर बोलती थी और इस वजह से भी मुझे काफ़ी बार टारगेट किया गया या मुझे नीचा दिखाया गया कि अरे हिंदी बोलती है या इससे तो बात ही करना बेकार है। बट मुझे एंड तक इस बात का कहीं से भी मलाल नहीं है कि मैंने हिंदी बोली या अपने आप को मैं प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाई, कुछ मैटर नहीं करता मेरे लिए। मेरे लिए ये मैटर करता है कि मेरे दर्शक मुझे कितना प्यार करते हैं। आप एक हिंदी शो में, हिंदी रियलिटी शो में गए हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे दर्शक आपकी इंग्लिश को समझ ही रहे होंगे। इसी बात को लेकर आपने शमिता शेट्टी पे भी निशाना साधा था। हाँ, अगर वो टारगेट मुझे करेंगी तो मैं कैसे छोड़ दूंगी किसी को भी, रहेंगी अपने घर की होंगी कोई भी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप मुझे अपमानित करेंगे तो मैं तो बोलूँगी ही, लेकिन मेरा दायरा है कि मैं आप सम्मान से ही कहती हूँ बातें, तो मुझे गुस्सा भी आता था तो मैं आप ही कर अपना गुस्सा। आपका अफसोस है कि बहुत जल्दी आपकी जर्नी एब्रप्टली ख़त्म हो गई, आप अपने आप को देख रही हो कि फिनाले तक पहुँचेंगी और जीतेंगी शो, इस बात का दुख है? मुझे दुख है, मुझे आगे तक जाना था, मैं भी सोच कर गई थी कि मुझे बिग बॉस 15 में जाना है, ये मेरा टारगेट था, ये नहीं था कि मुझे OTT वाला जीत कर जाना है। बट कहीं ना कहीं इस बात की खुशी भी है कि अगर मैं जीत नहीं पाई तो मैंने आपके पूरे देश से देख रहे लोग, उन लोगों का दिल जीत कर आई हूँ, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब थोड़े सवाल हम भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर और बतौर अभिनेत्री भी कर लेते हैं, आप फिल्मों में काफ़ी नज़र आ रही हैं, आपकी आने वाली फिल्म है जान लेबू का जिसमें आप दिनेश लाल यादव के साथ नज़र आएंगी, कितनी एक्साइटेड हैं उस फिल्म को लेकर आप, क्या कुछ कहना चाहेंगी? पैंडमिक का माहौल है, कब रिलीज़ होगी फिल्म ये भी लोग सोच रहे हैं आपके फैंस। फिल्म बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, ट्रेलर आ चुका है यूट्यूब चैनल पर। फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ एज एन एक्टर हर एक प्रोजेक्ट आपके लिए उतना ही प्यारा होता है, आप बहुत मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये फिल्म भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे ही ये जो माहौल चल रहा है इससे जल्द से जल्द छुटकारा मिले और हम सब अच्छे से काम। ट्रेलर आ चुका है फिल्म का और काफी हिट हो गया ट्रेलर। हाँ, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। 2010 से आपने शायद रवि किशन के साथ ऑपोजिट डेब्यू किया था, 2017 में जयंती। हाँ, 10 साल की जर्नी को कैसी देखती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री ने जो आपको पहचान दी है और क्या उतार चढ़ाव रहे हैं अगर आप हमें बताना चाहें 10 साल के दौरान जो आपने शुरुआत? मैं जब पहली बार मुझे डेब्यू करने का मौका मिला रवि जी के साथ, उस समय मैं मात्र 16 साल की थी और मैं क्लास 9 में थी उस समय, मुझे याद है, और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बिल्कुल अलग था और अचानक से चकाचौंध की दुनिया, सब कुछ नया नया, बहुत कुछ सीखने का, बॉम्बे तो समंदर ही है, अथा उसको आप जितना ही सीखें उतना कम है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। और अब
साल दर साल बीते अलग मन मिजाज और अलग चीज़ों को लेकर चल रही हूँ। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, अभी भी सीख रही हूँ और बहुत कुछ करना बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर इस सवाल को पूछने की मुझे इजाज़त है तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी आपके साथ जुड़ी थी। पवन सिंह के साथ आपका नाम जुड़ा था और फिर आपने इल्ज़ाम लगाया था कि आपको इंडस्ट्री से बाहर करने की कोशिश हुई, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने आज तक किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने फैक्ट बोला है और मैं फैक्ट ही बोलती रहूँगी। जो मैं झेलूँगी वो मैं कहूँगी, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में रहूँ या कहाँ पे भी रहूँ। तो मैंने अपने बातों को व्यक्त किया था जो सच्चाई थी और जो मैं झेल रही थी मैंने कहा। कौन थे वो लोग जो आपको इंडस्ट्री से बाहर? अब जब आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही उलझा रहे हैं हमको, आपने खुद ही कहा नाम, अब काहे के लिए बुलवाना चाह रहे हैं, हम नाम ही नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, नहीं मैं जानना चाहता हूँ उनके अलावा भी कोई नाम है क्या जो साजिश कर रहे थे आपके खिलाफ? वो एकमात्र थे और उन्होंने एक गुट ग्रुप बनाकर मुझे मतलब एकदम ही यहाँ से मिटा देने का प्लान बनाया था। कितना मुश्किल दौर था आपके लिए वो? अफसोस वो नहीं कर पाए। मैं कैसे टैकल किया और कितना मुश्किल दौर था जब आपके खिलाफ ये सब हो रहा था? मैं कुछ इस विषय पे कहना नहीं चाहती, मैं बस ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करती हूँ कि भगवान ना करे कभी किसी लड़की के जीवन में ऐसा समय आए जो मैंने गुजारा है। अच्छा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। आपकी भावनाएं आपकी आंखों में हमें नज़र आ रहा है। मैं एक दो सवाल और पूछना चाहूँगा कि सबसे फेवरेट एक्टर आपके कौन से हैं जिसके साथ आपने काम किया और किन के साथ आप काम करना चाहते हैं भोजपुरी फिल्मों की अगर हम बात करें? भोजपुरी में ऑफकोर्स निरहुआ। निरहुआ, हाँ, दिनेश जी बहुत अच्छे, बहुत हम्बल, और रवि किशन जी के साथ तो कर ही लिया काम, ये लोग बेस्ट हैं। अच्छा, ये लोग बेस्ट है। एक बात बताइए कि जब आप खाली होती हैं तो क्या कुछ करना पसंद है, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़ मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं डांस करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, योगा करती हूँ, बहुत सारा काम करती हूँ, मैं स्केचिंग भी करती हूँ। तो जब भी खाली वक्त मिलता है मैं ज़्यादातर इन चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ और साथ ही मुझे गाना बहुत पसंद है, तो आजकल ज़्यादातर फोकस उधर ही है। आपको गाना बहुत पसंद है और हाल ही में हमने सोशल मीडिया पे देखा, इंस्टाग्राम पे आप गाना, आपने एक क्लिप डाली है गाते हुए और बहुत उसको लाइक्स मिल रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को वो गाना अगर आप कुछ चंद लाइनें सुनाएं तो बहुत मज़ा आ जाएगा। मेरे सोशल पे फॉलोअर्स बढ़ने लगे हैं, फेमस वाले रंग मुझ पे चढ़ने लगे हैं, चारों ओर छपा मेरे नाम का पर्चा, सबकी ज़बाँ पे बस मेरी ही चर्चा, हर एक गाता ये तराना है, नाना है, तू जिसका दीवाना वो तो मेरा वाला गाना है। जी, आपकी गायकी से लग रहा है कि आप एक्टिंग के अलावा गायकी में भी हाथ आजमाने वाली हैं, प्लेबैक सिंगिंग का इरादा है आपका? कहाँ थे आप अब तक? कैसे आपको पता नहीं है? मैं काफ़ी दिनों से गाना गा रही हूँ, आज 2 साल हो गया मुझे, और दर्शकों का अपनी ऑडियंस का बहुत प्यार मिल रहा है और मैं आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाली हूँ। अच्छा, हम इंतज़ार करेंगे। जाते जाते हमारा जो सहयोगी चैनल है ABP गंगा और बिहार के जो दर्शक है वो भी काफ़ी फॉलो करते हैं आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे सीधे हमारे दर्शकों से? मैं दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि अपना प्यार आशीर्वाद यूं ही बरकरार रखिए और मैं आपके आप लोगों का नाम रोशन करती रहूंगी। चलिए, ABP न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपको वो तमाम सफलता मिले जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारे साथ अभिनेत्री अक्षरा सिंह, जिन्होंने बिग बॉस OTT के अलावा तमाम बातें की, भोजपुरी फिल्मों की बात भी की और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमें बताया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़ मुंबई। ABP News, आपको रखे आगे।